डेजर्ट इकोसिसटम फर्स्ट द कंटेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन डेजरट इकोसिसटम एनिमल लाइफ इन डेजरट इकोसिसम ए डिफरेंट डेजरट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान प्रेजेंट इन द डेजर्ट इकोसिटम जो अगर हम सिंपली बात करें डेजर्ट इकोसिसटम का जैसे हम जानते हैं कंडीशन आर वेरी सिवियर सो एनुअल प्रसिप्टन ऑफ डेजरट इकोसिस्टम इज लेस दैन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स सो मीन्स कि ड्रॉट कंडीशन प्रिवेल थ्रू आउट द ईयर्स एंड द रेन मे अकर आफ्टर मैनी ईयर्स सो ऑनली दोज प्लांट्स कैन सर्वाइव विच हैव एबिलिटी टू सर्वाइव विद वेरी लो अमाउंट और वेरी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सो इन अगर हम वाटर डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो सिंपलली चूंकि डेजर्ट की पहचान ही उसकी लो प्रिसटेशन है डेजर्ट्स में अगर हम बात करें डेजर्ट्स जो है वो वार्म भी होते हैं डेजर्ट जो है वो कूल cool भी होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स भी मौजूद हैं आगे हम देखेंगे लेकिन जो डेजर्ट की कॉमन थिंग है जो एक ख़ास पहचान है वो है इसकी प्रेसिपटेशन लेवल यानी कि जो उसमें रेन है या फिर स्नोफॉल जो है वो अगर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर से कम है तो हम इसको डेजर्ट कहेंगे तो ये मीन्स देर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सो अब वो प्लांट्स जो इस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में सर्वाइव कर सकेंगे दे विल बी देयर इन डेजर्ट्स सो so मेनली अगर हम बात देखे थे ज़्यादातर डेजर्ट्स के अंदर जैसे द इंपॉटेंट प्लांट्स दे आर दी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ कैक्टाई कैक्टस की डिफरेंट स्पीशीज जो हमारे पास आ जाती हैं एंड द अदर वन आर दी थॉर्नी श्रब्स इन ऐसी श्रब्स हैं जो कि क्या है कि कांटे वाले जो जा है वो झाड़ियाँ जो हमें अक्सर इसमें मिलेंगी सो डेजर्ट प्लांट्स दे हैव रिड्यूस्ड फोलिएज यानी फोलीज कहते हैं लीव्स को मीन दे हैव रिड्यूस्ड फोलिएज या तो लीव्स उनके बहुत स्मॉल साइज़ के हैं या फिर वो एबसेंट हैं और उसकी जगह जो स्टेम है वो क्या करेगा फोटोसेंस का काम करता है सो दे हैव ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स तो उनके जो सीड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि ड्रॉट को जो वो रेजिस्ट कर सकते हैं या उसमें सर्वाइव कर सकते हैं हेर इन दिस डायग्राम अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें दोनों तरह के प्लांट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ये सिंपल हमें जो कैक्टाई प्लांट्स हैं कैक्टस की डिफरेंट प्लांट्स मौजूद हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि ये सिंपली स्टेम्स हैं और लीव्स जो है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड हैं या एबसेंट हैं दूसरी तरफ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉर्नी श्रब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रब्स हम देख रहे हैं कि झाड़ियाँ हैं जो कि थॉर्नी यानी कांटेदार झाड़ियाँ जो यहाँ मौजूद हैं तो एक डेजर्ट इको सिस्टम के अंदर हमें इसी तरह के प्लांट्स जो वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो एनिमल लाइफ इन डेजर्ट इकोसस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो द ग्रीनरी या हम प्लान्ट लाइफ अगर हम देखें तो वो बहुत रेयर है बहुत कम है तो इट मीनस डेजर्ट इकोसटम के अंदर जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो भी इसी हिसाब से रिड्यूस्ड है बाकी सिस्टम के मुकाबले में अगर हम देखें जैसे ग्रास लैंड्स हैं फॉरेस्ट हैं तो उनके मुकाबले हमारे पास जो डेजर्ट इकोसस्टम है इसके अंदर देर आर वेरी लो नंबर ऑफ स्पीशीज़ एग्जिस्टिंग इन द डेजर्ट्स तो डेजर्ट्स के अंदर बहुत कम अमाउंट नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट एनिमल्स दे इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थरोपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थरोपोर्ट्स में अगर हम देखेंगे दे द इंसेक्ट्स वराइटी ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर

अब अगर हम देखें डेजर्ट के अंदर जो है वो चूँकि कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम है तो वहाँ हमें एम्फीबिन रिपोर्टेड नहीं है यही नहीं मिलते हैं जबकि इसके मुकाबले हमें बर्ड्स और जो मैमल्स की स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट आर द रोड रनर्स रोड रनर कैक्टस वॉर्न दैन द टर्की वल्चर्स एंड द ब्रोइंग ओल्स आउल्स जो हैं वो हमारे पास ये मौजूद हैं सो अमंग द मैमल्स मैमल्स में अगर हम देखेंगे द द्योलडियल म्यूल डियर इसके अलावा हमें क्या हमने देखा अगर हम देखें तो जो कैप्रिल है उसके अंदर भी हमें ये मिलता है दैन जैक रेबिट दैन द कैंग्रो रेट एंड द ग्राउंड स्कोरस सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट एनिमल्स यहाँ अगर हम देखें अ फ्यू एनिमल्स जो अगर हम इसको यहाँ पिक्टोरियल व्यू है द फर्स्ट वन इज़ द स्पाइडर इट्स अ डेजर्ट स्पाइडर इन डेजर्ट दे नंबर ऑफ स्पीश ऑफ एंड आर ऑल्सो प्रेजेंट तो इस तरह से इन आर्थोपोर्स की एक रिच डाइवर्सिटी हमें मिलती है रीजन इज द आर्थरो आर वेरी रेजिस्टेंट आर्थोपोर्स दे हैव एबिलिटी टू विदाउट वाटर आर दे हैव एबिलिटी टू है लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर तो डेजर्ट्स के अंदर वी हैव अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द एंट्स अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ स्पाइडर्स स्पाइडर्स के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वो स्कॉर्पियंस की स्पीशीज जाओ स्कॉर्पियो देअर रेपटाइल्स अमग रेप्टाइल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिजर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स तो स्नैक्स और लिजर्स की डिफरेंट वराइटी ऑफ जो हमें जो यहाँ मिलेंगे स्नैक्स आम और स्नैस आर वेरी पॉइजनस तो पॉइजनस डेजरट स्नैक्स जो है वो रिपोर्टेड हैं अमंग द बर्ड्स बर्ड्स अमंग द बर्ड दे आर द रोड रनर एंड देर आल्सो द कैक्टस वर्नस तो कैकटस वर्न एंड रोड रनर इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज ऑफ आउल्स आर आल्सो रिपोर्टेड वुलचर्स आर आल्पोर्ट फ्राम द डेजर्ट्स सो अमंग द मैमल्स देर आर द जैक रेबिट्स एंड द कैंगट सो मैमल्स में अगर हम देखते हैं जो डेजर्ट के मैमल्स हैं मोस्टली दे आर नाक्टर्नल इन बिहेवियर नॉक्टर्नल इन बिहेवियर मतलब ये है कि वो दे फीड आर दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम तो नाइट टाइम के रात के वक्त ये बाहर निकलते हैं फीड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं डे टाइम है जो है तो अपने बरूस के अंदर जो मखसूस हाइडिंग प्लेस है उसके अंदर जो है वो अपने आपको सेव कर लेते हैं ताकि क्योंकि आ डे टाइम दे आर द एक्सट्रीम टेम्परेचर टेम्परेचर एक्सट्रीम है तो उस वजह से ये जो सर्वाइव करना जाओ पॉसिबल नहीं होगा वेयर द डेजर्ट्स आर प्रेजेंट इन वर्ल्ड। अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स आर प्रेजेंट इन आल द कॉन्टीनेंट्स जितने भी कॉन्टीनेंट्स बरेआज़म हैं सब के ऊपर डेजर्ट्स जो है वो रिपोर्टेड है और डेजर्ट एक ऐसा बायोम है जो विद ए पैसाचार टाइम एक्सपेंड कर रहा है अच्छा यानी अगर हम इसके मुकाबले देखें बाकी तमाम बायोम जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं यानी अगर हम कॉनिफरस फॉरेस्ट की बात करते हैं उनका साइज़ कम होता जा रहा है सिमिलरली ग्रास लैंड्स की बात करें ग्रास लैंड आर रिस्ट रिड्यूसिंग डे बाई डे इससे अगर हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनका साइज कम हो रहा है टुंडरा का साइज़ कम हो रहा है तो बाकी तमाम जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स हैं उनका साइज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन डेजर्ट्स ऐसे हैं बायोम है जिसका साइज डे बाई डे क्या है? इंक्रीज कर रहा है क्योंकि अगर ड्रॉट होगा तो जो ग्रास लैंडस हैं या बाकी जो इकोसिस्टम है वो भी अल्टीमेटली डेजर्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे सो द इंपॉर्टेंट डेजर्ट इकोसिस्टम अगर हम देखते हैं इसमें दे दटार्कटिक डेजर्ट अच्छा एंटार्कटिका के अगर हम देखें वहाँ को सैंड तो नहीं है लेकिन एंटार्कटिका के ऊपर जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है यानी कि जो स्नोफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम है इस वजह से हम एंटार्कटिका को क्या कहेंगे इट इज़ अ फ्रोजन डेजर्ट आर्कटिक डेजर्ट सो आर्कटिक में अगर हम देखें जो टुंड्रा का कुछ एरिया है वहाँ भी प्रेसिपिटेशन जो है वो कम है ये इंटार्कटिका और आर्कटिक जो है यानी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के जो इलाके हैं इनको इस बेस पे डेजर्ट कहा जा रहा है कि वहाँ एनुअल प्रेसिपिटेशन कम होती है अदरवाइज़ कंडीशन जहाँ उनके बहुत सवियर है वो लो टेम्परेचर है वहाँ पर अदर डेजर्ट्स हमारे पास सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है अरेबियन डेजर्ट अरेबिन कंट्रीज जिसमें आ जाते हैं सारे के सारे गोबी डेजर्ट ऑफ चाइना Then the Kalahari, Kalahari desert of Africa, third desert which is present in Pakistan and India, then Columbia Basin which is present in the America, and the Dasht-e Kavir that is present in the Iran.